नमस्कार। जो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं 19 तारीख के दिन से रांगा थाना से ड्यूटी के लिए जाना पड़ा ऑटो से हम दोनों को। समीर और मैं दोनों ऑटो में निकल पड़े ड्यूटी तक पतना चौक पर। सुबह की ड्यूटी पड़ गई थी 3 बजे से हमारी, और चटघाट से आतिशबाजी होते हुए आप देख सकते हैं। आप लोग 4:07 माथे पर चटघाट की ओर प्रस्थान कर रहे थे। हम भी चटघाट देखने के लिए, पूजा अर्चना देखने के लिए चटघाट गए थे, और सभी श्रद्धालु ती सूरज को देखने के लिए सभी पानी पे खड़े होकर पूजा अर्चना करते देख सकते हैं आप लोग। ये ज़्यादा बड़ा तालाब या पोखर कहा जाए, ज़्यादा बड़ा नहीं था। यहाँ का भीड़ भी देख सकते हैं आप लोग देख सकते हैं। जैसे सूरज उगने लगा वैसे सभी श्रद्धालु पूजा अर्चना करने में अपने लग गए हैं। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था सामने से चटघाट में इस तरह की पूजा होती है। मुझे पहली बार इस तरह का एक्सपीरियंस मिला, इसलिए मैं एक जगह पे खड़े होके बड़ी देर तक इस पूजा के कार्यक्रम कहा जाए या पूजा अर्चना मैं देखने के लिए खड़ा रहा। इसमें कोई भी बड़ी सदस्य या कोई घर के कोई बड़ी महिला इसमें व्रत रखती होगी। इसमें हमने देखा कि एक महिला या बड़ी घर की महिला होती है, वह अपने सारे रिश्तेदारों के साथ एक बांस से बने टोकरी में पलों के सामग्री, पूजा सामग्री रखकर पानी पर परिक्रमा करते हुए देख सकते हैं। छठ पूजा का पहला दिन संध्याकालीन आराधना होती है, जिसमें डूबते हुए सूरज का आराधना होता है। उसी प्रकार दूसरे दिन भी इस तरह पूजा होता है, इसमें उगती हुई सूरज को की आराधना होती है, पूजा होती है, और छठी मैया को भी इसमें याद करते हुए पूजा पाठ की जाती है। इसमें आप लोग जो दृश्य देख रहे हैं ये दूसरा दिन का दृश्य है। इसके बाद हमारी ड्यूटी ख़त्म और हम लोग अपने थाना के लिए रवाना हो गए।